और उन्होंने एक बुटीक ओपन किया है। मैडम आ गई हैं दोनों मेरे से मिलने के लिए, जिन्होंने ये सूट सिला था। सूट भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे। खाना खाया आज? नहीं। ठीक बात। कल से मैं बनाऊंगी नहीं। लेट कैसे हो गया? मैं हो गई। राम राम जी, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और गाइज, आज मैं हूँ येलो सूट पहन के रेडी। और ये सूट मुझे भेजा है मेरी एक फैन ने नजफगढ़ से, और वो आज मुझसे मिलने आ रही हैं। एक्चुअली वो चाहती थी कि मैं उनसे मिलने जाऊँ नजफगढ़ में, पर मेरा कोई प्लान बन नहीं पाया, तो मैंने उनको ही यहीं बुला लिया है। और उन्होंने एक बुटीक ओपन किया है, और वही बुटीक से उन्होंने मुझे सूट भेजा है स्टिच करके। और गाइज, इतना प्यारा सूट स्टिच करके भेजा है, मैं प्रॉपर आपको सूट दिखाऊंगी उनसे मिलने के बाद। वो लोग पहुंचने ही वाले सोसाइटी में। और ये अमरीन खड़ी है मेरे पीछे। हाय गाइज, कैसा लग रहा है मेरा सूट बताओ? मम्मा का सूट बहुत अच्छा लग रहा है। जब आया था मैंने तब भी बोला था बड़ा मस्त सूट है, और मम्मी पे येलो बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आप इसकी क्या बोलते हैं इसको, पेंट, प्लाजो पेंट ये देख लोगे ना आपको मजा ही आ जाएगा। इतनी आपको प्रॉपर सूट दिखाएंगे उनसे मिलने के बाद, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। और गाइज, ये सूट मैंने पहले भी डाला था, बट मेरा मन किया कि मैं उनके साथ ही वीडियो बनाऊं। कल मैंने ये सूट डाल लिया था, फिर मैंने सोचा वीडियो शूट कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, बट मैंने सोचा उनको बुला के ही क्यों ना वीडियो बनाई जाए, तो मैंने उनको बुला लिया है और वो पहुंचने वाले हैं। और मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ थोड़ी देर में, और मैं अभी जा रही हूँ क्लब हाउस में, उनसे वहीं मिलने वाली हूँ, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में ही। ओके, तब तक आप खाना खा लेना, ठीक है? हाँ, मैं भैया से बोल दूंगी। पक्का? मैं जब दोबारा फोन करूंगी ना, मतलब वहां से फोन करूंगी ना, तो खाना खाया हुआ होना चाहिए। ओके बाय। तो गाइज, हम आ गए हैं क्लब हाउस, और मैडम आ गई हैं दोनों मेरे से मिलने के लिए, जिन्होंने ये सूट सिला था। सूट भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये हैं, आप अपना नाम बताइए। एरिका क्रिएशन से हैं दोनों, और नजफगढ़ से है ना? नजफगढ़ से है। प्रॉपर एड्रेस आप लोग बता दो कहाँ पे है। खाटू श्याम मंदिर, थाना रोड, नजफगढ़ पुलिस स्टेशन के पास में है। तो आप भी आओ और विजिट करो, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के साथ सिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं हम, जैसे मैम का किया है। और नीतू मैम भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और डिजाइन तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने सस्पेंस रखा हुआ है ब्लॉग में अभी कि हमने दिखाया नहीं है, अभी दिखाते हैं डिजाइन क्या क्या है। और आप लोग जा सकते हो इनकी शॉप पे स्टिच कराने के लिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। आईडी है इनकी एरिका क्रिएशन 07 है ना, 07 के नाम से आईडी है, तो आप लोग जरूर स्टिच कराना। अभी आपको सूट दिखाते हैं। बैक का डिजाइन है गाइस, और ये प्लाजो पैंट सबसे बेस्ट, इतनी फिनिशिंग मैंने कभी नहीं देखी किसी के काम में, बहुत अच्छा स्टिच किया हुआ है। और आप लोगों को सूट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को पर्सनली कैसा लग रहा है आप बताओ, आपको कैसा लगा? मुझे बेस्ट लगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने सोचा था मैं अकेले शूट कर लूंगी इसका, बट मेरा मन हुआ सूट देखने के बाद और पहनने के बाद, मैं उन लोगों को बुला के ना फिर शूट करती हूँ, तो मुझे बहुत बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच आपका, आप लोग मिलने आए और इतना प्यारा सूट मुझे स्टिच करके दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और जुड़ी रहूंगी मैं तो, मेरे तो जितने भी सूट होंगे ना वैसे स्टिच होके आने वाले हैं। और आप लोग भी जरूर कॉन्टेक्ट करो इन लोगों से, एरिका क्रिएशन 07। थैंक यू मैम। ठीक है गाइज, ये लोग जा रहे हैं, अभी हमारा काम हो गया है, वीडियो शूट हो गई है, सारी चीज़ हो गई है। और कैसा लगा आप लोगों को बताइए? तो अच्छा लगा, और मैम तो बहुत अच्छी है, नेचर बिल्कुल बेस्ट है। थैंक यू। तो आपको मिलना था मुलाकात सॉन्ग से, हमारे हाँ जी फैन सपोर्टर रहे हैं, तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग। और मैम को भी सपोर्ट कीजिए, मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, रियल से भी बहुत अच्छी है, जैसे हमने सोचा था उनसे भी बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार नहीं बना, आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, तो प्यार तो देखो आप लोग देंगे हम देंगे तभी काम चलेगा ना।
तो हमारे सॉन्ग वीडियोस आएंगे, आप लोग सपोर्ट किया करो। बिल्कुल जी, ठीक है, आप भी करो, सब करो। बिल्कुल, और हमारी वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी साथ में तीनों की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय मैम। गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और आमरीन को देखो कितना लूज लूज हो रही है। क्या हो गया बेटा, खाना नहीं मिलता क्या आपको घर पे? नहीं, मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा और मैं बोर हो रही हूँ और उनको खेलने जाना है। खेलने जाना है आपको, तो फोन चार्ज लगाना चाहिए ना। तो लगा तो दिया, कितनी देर पहले लगाया था मैंने? कितनी देर पहले? बहुत देर पहले लगा चुकी मैं। फिर ऑन नहीं किया था? कर दिया था ना। फिर भी चार्ज नहीं है? हो रहा है भाई, धीरे धीरे हो रहा है। क्या धीरे धीरे? खाना खाया आज? नहीं। ठीक बात, कल से मैं बनाऊंगी नहीं। ओम डकार आ गई, खाया उसने नहीं है, ढकार मेरे को आ रही है पेट भरी हुई। आप खेलने जा रहे हो क्या? हाँ। और फ्रेंड भी साथ में बैठी है, हम लोग फेस रिवील नहीं कर रहे। कौन फ्रेंड बैठी? हो चुका, एक साल पहले फेस रिवील हो चुका है क्या? लो फील कर दिया रिवील। तो फ्रेंड बैठी है यार बुलाने के लिए। आप लेट थे क्या आज, रेडी नहीं थे? लेट क्या, ये मैं जल्दी हूँ आज। हाँ जल्दी हो, हम क्या 7 बजे जाते हैं खेलने आज। हम 6:30 आ गई थी, 6:30, और मैंने इसको 6 o'clock कॉल कर दिया था। क्या खेलने जाओगे? थके हुए पहले ही हो। मैं सही हो जाऊंगी, मैं कोक पी के सही हो जाऊंगी। बेटा बाहर है ना, इतनी गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, कसम से बहुत गर्मी है। तो क्या, तो क्लब में खेल लो। नहीं, तुम आज नहीं, क्लब में वो खेलने ही नहीं देते ना। खेलने देते, मना कर देते हैं कि उधर नहीं बैठना, ये नहीं बैठना, यहाँ पे नहीं करना, ये इतनी हिम्मत। मैं कल जाऊंगी आंटी से बोल के आऊंगी। ठीक है चलो पहुंचो तुम लोग, मेरे को अभी कुछ काम है, मैं कर लेती हूँ, बाय। चुकी हूँ खेल के, मतलब खेल के तो क्या ही आई, मैं फंक्शन में गई थी एंड मैंने वहां से ये मैं जानती नहीं थी कौन थे। हाँ मैं ये कह रही थी गाइस कि अभी मैं जा रही घर पे, एंड होपफुली अब किसी फ्लोर पे लिफ्ट ना रुके। ओके नहीं रुक रही है, अभी मैं आपको घर जाके बुलाऊंगी एंड मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ, तो इस टाइम व्लॉग शुरू करके जाती हूँ। यस गाइस मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम था एंड मैंने ना यहाँ पे मजे किया। मम्मा मम्मा बाहर आना एक बार बालकनी में। खादी से नहीं है ये मेरी। हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। लेट कैसे हो गया? मैं हो गई फंक्शन में, मैं लेट गई थी आज। ओके मैं आज गई थी गाइस ऑलमोस्ट 8 बजे। 8 बजे? हाँ मैं 7:30 पे गई थी। ओके चलो कोई बात नहीं, मम्मी से मिलो। हेलो गाइस हाउ आर यू? Amrin is late, that's why she is making vlog. खाना बन रहा है, पता नहीं खाना बन रहा है, पोहा बन रहा है, और पीछे कोई छुपा हुआ उसको मत लो। ठीक है बाय।